गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामांग ने आज सिलीगुड़ी के पिंटल विलेज में एक पत्रकार सम्मेलन कर दार्जिलिंग पहाड़ क्षेत्रों को स्ट्राइक फ्री जोन घोषित की है। गौरतलब है कि एनआरसी एवं सीएए के खिलाफ गोरखा जनमुक्ति युवा मोर्चा के द्वारा 29 दिसंबर के दिन पहाड़ बंद की घोषणा की गई थी। इस बीच तामांग ने गोजमो युवा मोर्चा से बंद वापस लेने का आह्वान किया है। हमारा पार्टी का एक बैकबोन है और युवा मोर्चा जो है वो वेरी कमिटेड, जो हमारा गोरखा कम्युनिटी है उसके लिए और अदर कम्युनिटी जो दार्जिलिंग हिल्स तराई और सिलगुड़ी दूरस में है उनके लिए कम्युनिटी है। मेरा जो सम्मान है उनका साथ में है वो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरा स्टैंड और मेरा पार्टी के स्टैंड में वो खड़ा हो जाएगा। सो क्रिसमस का जो रिलीजियस फेस्टिवल है और डुप्पा कम्युनिटी का लोसार है वो भी एक फेस्टिवल है और सिक्किमिनी कम्युनिटी का भी एक लोसार है जो हम लोग को फेस्टिवल है वो, और सतपाल जी महाराज का जो 3 दिन का सालूगढ़ में सत्संग है और न्यू ईयर भी है अभी, और जो कई सारे टूरिस्ट लोग अभी दार्जिलिंग में है, सिक्किम में है, नॉर्थ बंगाल में, इन सभी को देखते हुए, और मैंने बार बार मैं मेरा कहना ये है कि हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू गिव ट्रबल टू द पब्लिक, पब्लिक को ट्रबल नहीं होना चाहिए, तो लीडर्स आना चाहिए, नेता लोग आगे आना चाहिए फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। और दूसरा है कि मेरा 2017 से ही मेरा एक स्टैंड था कि दार्जिलिंग एक स्ट्राइक फ्री जोन होना चाहिए। ये तीनों विषय में मैं आज उन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये 29 का विटर करें, बट हमारा प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनआरसी एंड सीए वो कंटिन्यू रहेगा और गोरखा जनमुक्ति युवा मोर्चा इन लियू ऑफ दिस 29th स्ट्राइक, इंस्टेड ऑफ डूइंग द 29th स्ट्राइक, कि दो फेज में प्रोटेस्ट मार्च करेंगे। एक है 28 दिसंबर 2019 में जो 3 दिन बाद वो दार्जिलिंग ओल्ड मोटर स्टैंड के से शुरू होगा सुबह 8:30 बजे और ये ख़त्म होगा कर्शंग मोटर स्टैंड में, और दूसरा है 5 जनवरी 2020 में जो 8:30 में कर्शंग मोटर स्टैंड से हम रोहिणी होते हुए दार्जिलिंग मोड़ आएंगे, वो 5 में है। ये दो फेज युवा मोर्चा ऑर्गेनाइज करेगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है।